जात को जात से लड़ाना, जो भेदभाव चल रहा है उसके खिलाफ हम सब लोगों को एक होने की ज़रूरत है। लेकिन सत्ता में दिल्ली में जो लोग बैठे हैं धर्म के नाम पर बांट करके जो है राजनीति करती है, इससे उभरने की ज़रूरत है हम लोगों की। सभी लोगों को अपने दल से, चाहे समाज में विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, उन सभी लोगों को हम जो है पार्टी में लाएँ, मौका दें। फूलों के बगान में अलग अलग तरह का फूल खिलता है, उसी हिसाब से अपने दल में भी सभी लोगों का चेहरा जो है और सभी लोग जो है शामिल हैं। आज कबीर महोत्सव मनाया जा रहा है, हम सब लोगों को बेहद इस बात की प्रसन्नता है कि आज के दौर में कबीर जी उतने ही प्रासंगिक है जितना वो पहले। और ये महोत्सव की तैयारी में चंद्रहास चौपाल जी और मुकेश ताती जी लगातार जो है और उनके सभी साथी लगे रहे, हमसे समय मांगा, हम बोले ज़रूर आप लोग जो है कार्यक्रम जो है कीजिए, आगे बढ़िए और हम लोग जो है पूरा आप लोगों का साथ देंगे, समर्थन देंगे और हम खुद वहाँ उपस्थित होंगे। तो आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और आप सब लोगों का आशीर्वाद, पाल समाज से चौपाल समाज के लोगों ने जो पगड़ी दे करके सम्मानित करने का काम किया है, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आपके पगड़ी का पूरा सम्मान करते हुए आपको आपके अधिकार को दिलाने के लिए लड़ाई जो है हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और हम लोग सब लोग चाहते हैं जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो कमज़ोर है, उसको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें। और कबीर जी तो यही बातें क्या करते थे, जो भेदभाव समाज में जितनी कुर्तियाँ होती थी उस ज़माने में, उसके खिलाफ हमेशा बुलंदी से अपनी बात को रखते थे, अपने दोहे के साथ जो है बातों को उन्होंने रखा है। और तकरीबन एक साल पहले ही पार्टी ऑफिस में जब कार्यक्रम चल रहा था राष्ट्रीय जनता दल के, तो हमने बोला था कि पार्टी के पोस्टर में संत कबीर जी का भी फोटो परमानेंट लगाया जाए और जो आपके श्रीमणि रविदास जी हैं उनका भी जो है चित्र जो है हमेशा पार्टी के पोस्टर में लगना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले समाज में आपस में लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जात को जात से लड़ाना, जो भेदभाव चल रहा है उसके खिलाफ हम सब लोगों को एक होने की ज़रूरत है। हम लोग सबसे पहले इंसान और सभी इंसान, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी लोगों का समाज में बराबर का हक है और बराबर का सम्मान लोगों को मिलना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता हमारी पार्टी की विचारधारा है। राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी लगातार सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लोगों को अधिकार दिलाया, मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और हम सब लोग इसी प्रयास में लगेगा। लेकिन सत्ता में दिल्ली में जो लोग बैठे हैं धर्म के नाम पर बांट करके जो है राजनीति करती है, इससे उभरने की ज़रूरत है हम लोगों को। सब लोग एक रहिए और आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम चार कदम ज़रूर चलेंगे। समाज में सभी लोगों को हिस्सेदारी मिले, भागीदारी हो, ये हम लोगों की कामना है और हम लोगों की कोशिश भी है कि सभी लोगों को अपने दल से, चाहे समाज में विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, उन सभी लोगों को हम जो है पार्टी में लाएं, मौका दें। और चंद्रहास चौपाल जी पार्टी के विधायक बने, सिंहेश्वर से विधायक हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है और ये चुनाव जीत करके आए हैं। तो हम सब लोग यही प्रयास में हैं कि जिस हिसाब से फूलों के बगान में अलग अलग तरह का फूल खिलता है, उसी हिसाब से अपने दल में भी सभी लोगों का चेहरा जो है और सभी लोग जो है शामिल हैं।